झारखंड के 11 बच्चों को बेंगलोर से मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराकर रांची वापस लाया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 11 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। झारखंड सरकार की तरफ से मानव तस्करी और बाल तस्करी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें अपने घर भेजने का काम किया जाता है। इसी के मद्देनज़र राजधानी रांची में भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस टीम की तरफ से शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर 11 बच्चों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया। बाल कल्याण विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बच्चों को ठेकेदारों द्वारा बहला फुसरा कर काम दिलाने के नाम से बेंगलोर ले जाया गया था। सभी बच्चे पैसे और नौकरी के लालच में बेंगलोर पहुँच गए थे। पाकुड़ और संथाल क्षेत्र के बच्चों को बाल श्रम के लिए मानव तस्करों द्वारा बेंगलोर ले जाया गया है, परंतु इसकी सूचना स्टेट माइग्रेट कंट्रोल को दी गई। स्टेट माइग्रेट कंट्रोल की टीम को जैसे ही इसकी सूचना मिली, यहां के लोगों ने राज्य सरकार की पुलिस और बेंगलोर के जिला प्रशासन से बातचीत कर सभी नाबालिग बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचा लिया है। तस्करों के चंगुल से बचाने के बाद सभी बच्चों को राजधानी रांची वापस ले आया गया है। फिलहाल सभी बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों के सुपुर्द किया गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों के द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद सभी बच्चों को उनके गृह जिला भेज दिया जाएगा। वहीं पर ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि झारखंड के लोगों का पलायन ना हो सके। वहीं बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस और CID की टीम मानव तस्करों पर कार्रवाई करेगी।